أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا له مقرنين وإنا على من المتكلم من القرآن. Good morning, ladies and gentlemen, from Gilgit. Today we are reviewing the Pakistan International Airlines, and it's going to be a special flight because we are flying the ATR. ये गिलगित शहर का ओवरव्यू है. सर्दियों में आपको धूप, बादल और सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा. टेम्परेचर अच्छा था, जूते कस लेते हैं, निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ. एक चीज़ जो मैंने इतने सालों से नोटिस की है जब से गिलगित आ रहा हूँ कि जो लिंक रोड्स हैं उनकी हालत ऐसी है, और ये जब से मैं गिलगित आया हूँ तब से ऐसी है. मेजॉरिटी जो लिंक रोड्स हैं आपको ऐसे ही मिलेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसको इम्प्रूव करें और कारपेटेड रोड्स बनाएं. ओके, बाय द वे, दिस हैट दैट आई एम वेयरिंग, दिस इज द हैट दैट यू वेयर इन गिलगित बल्तिस्तान, एंड सिंस आई एम इन गिलगित आई थॉट आई शुड वेयर दिस. एंड दिस माय कजन, ही इज ड्रॉपिंग मी टू द एयरपोर्ट. हम आ गए हैं अब गिलगित की मेन रोड पे. गिलगित की मेन रोड जो है ये बेसिकली सारे लिंक रोड्स को कनेक्ट करती है. तो आपको अगर गिलगित में जहाँ भी जाना पड़ेगा आपको इस रोड के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और ये रोड बेहतर है. लेकिन ये कि ओवर द ईयर जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है. ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ये बेसिकली हेली चौक कहलाता है, और ये हेलीकॉप्टर जो है पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी से कैप्चर किया था, और ये एज अ सुवेनियर यहाँ पे रखा हो. ये आई लव गिलगित का साइन है, और हम काफ़ी करीब पहुँच गए हैं एयरपोर्ट के. ये दीवार जो है ये एयरपोर्ट के रनवे के एंड की दीवार है, और ये सामने सिटी पार्क है. सो टिकट प्राइस की बात कर लेते हैं. टिकट प्राइस आपको ये 18,000 से लेकर 28,000 के बीच में मिलेगा. मुझे भी एक्सपेंसिव पड़ा 27,000 का, और ये डिपेंड करता है कितना रश है. और ये फ़्लाइट जो है इस्लामाबाद एंड गिलगित के बीच में ऑपरेट करती है. हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट की पार्किंग में, और ये सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बेसिकली गिलगित एयरपोर्ट का टर्मिनल है, जो कि काफ़ी छोटा है. हो सकता है पाकिस्तान का ये सबसे छोटा पैसेंजर टर्मिनल हो. हाँ, सरप्राइज पैसेंजर, हमारे पास एक बकरी भी है. क्या ये हमारे साथ फ़्लाइट पर है? ओहो, आई गेस बोर्डिंग पास नहीं है इसके पास. जोक्स अपार्ट, एयरपोर्ट के हाथ में पहली बार जो है मैंने बकरी देखी है. चलते हैं हम एयरपोर्ट के अंदर, और अंदर का भी आपको दिखाते हैं. काफ़ी नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट है, और आप देख सकते हैं सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया है. ऑब्वियसली छोटा है, थोड़ा बस टर्मिनल टाइप फील देता है, और चेयर्स काफ़ी नीट एंड क्लीन है. ये ऑरेंज ब्राउनिश चेयर्स हैं. सिक्योरिटी चेक के बाद मिलते हैं. सामने आप देख रहे हैं ये बेसिकली चेक इन काउंटर्स हैं, और यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत फ्रेंडली स्टाफ था. ये जो है बेसिकली डिपार्चर लाउंज है, और काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी खूबसूरत. द बाथरूम इन द डिपार्चर एरिया इज क्वाइट क्लीन. आई एम इम्प्रेस्ड फॉर अ स्मॉल एयरपोर्ट. प्लेन जो है वो आ चुका है, और थोड़ा लेट आया है. और ये चीज़ जो है आप गिलगित की फ़्लाइट्स में हमेशा अपने जहन में रखें कि फ़्लाइट या तो लेट होगी या कैंसिल होगी, ये बहुत बहुत बार होता है. अभी हम चलते हैं प्लेन की तरफ, बोर्ड करते हैं इस प्लेन को. बेसिकली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ATR के साथ है, और यहाँ से जो है मैंने C-130 में फ्लाई किया है दो बार, और बहुत अच्छी फ़्लाइट होती है C-130 की. प्लेन ये भी काफ़ी खूबसूरत दिखने में, और देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है. लखनऊ का जो PIA का रिव्यू है वो काफ़ी अच्छा रहा, स्टाफ वाइज बिहेवियर एंड एवरीथिंग, और प्लेन की मेंटेनेंस. तो अब ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा कि कैसा रहता है फ़्लाइट. थैंक यू. बाय द वे, एयरपोर्ट के अंदर जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिक्योरिटी वाले ने आके मुझे बोला था कि आप यहाँ पर फिल्म नहीं कर सकते, जब मैं बेसिकली जो चेक इन काउंटर वाला एरिया वहाँ पे मैं फिल्म करने की कोशिश कर रहा था. बट एनीवेज वी हैव टू फॉलो द रूल्स एज वेल. कोई ख़ास जस्टिफिकेशन नहीं देते, बस ये कहते हैं सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑर्डर है. तो ऐसा लग रहा है किसी प्राइवेट जेट में एंटर हो रहा हूँ, और प्लेन जो है बिल्कुल एक बस का माहौल जो है दिखा रहा है इस वक्त. और एक और सरप्राइज़ मुझे मिलेगा अभी. बेसिकली मैंने सीट ली थी सबसे आगे कि मैं एक सुकून से फिल्म करूंगा, पर हुआ क्या देखें.
One left. ये बहुत ही फनी था मेरे लिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली जो सीट अरेंजमेंट आपको ऑनलाइन पोर्टल पे दिखती है उसमें ये नहीं लिखा होता है कि जो आपका जो सबसे आगे वाली रो है वो बेसिकली फ्लिप्ड है और आप दूसरे पैसेंजर को फेस कर रहे हैं। ये लेगरूम है इस सीट का और थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बट अच्छा है, ठीक है, क्योंकि एक यूनिक एक्सपीरियंस ये भी मेरे लिए रहेगा कि मैं बेसिकली फेसिंग द अदर वे किसी जहाज़ में बैठूँ। और ये कुछ मेरी सीट की पोजीशनिंग थी उस वक्त और ये कॉकपिट का दरवाज़ा बिल्कुल साथ ही। बाय द वे प्लेन जो है काफ़ी मुझे वेल मेंटेन्ड लगा, आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा है और मेरा जो व्यू है वो बेसिकली हाँ मैं और मेरा जो साथ बंदा बैठा है वो सारे पैसेंजर्स को फेस कर रहा है और वो हमें देख रहे हैं, तो स्टेज वाली फीलिंग आ रही है इधर तो। और आप देख सकते हैं कि खिड़की काफ़ी स्क्रैच्ड है। برائے مہربانی نشست کی جیب میں رکھے ہوئے فارسی اقدامات کو غور سے پڑھ لیں۔ ہنگامی حالت میں جہاز سے باہر نکلنے کے چار راستے ہیں، دو جہاز کے پچھلے حصے میں اور دو جہاز کے اگلے حصے میں واقع ہیں۔ ٹیک آف اور لینڈنگ سے قبل کھڑکی کے پردے کھول لیں۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ٹو فاسٹن دی سیٹ بیلٹ، انسرٹ دی فلیٹ بٹن ان ٹو دی بکل، اینڈ پل دی اسٹرپ ٹو ٹائٹن اٹ۔ اب چیک کرتے ہیں آپ کی ٹیک آف کیسے ہوتا ہے۔ ٹیک آف بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ پائلٹ کتنا اسکلفل ہے اور جہاز کتنا ویل مینٹینڈ ہے۔ سو لیٹس سی ہاؤ دی ٹیک آف از۔ رن وے بیسیکلی ایک ہی ہے گلگت ایئرپورٹ کا اور یہ ٹیک آف ہو چکا ہے۔ یہ ہے بیسیکلی گلگت سٹی جو کہ پہلے اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ آبویسلی نہیں تھا اور ابھی کافی زیادہ ہو گیا ہے، اور بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور نیچے ایک اور بھی چھوٹا سا رن وے دکھ رہا ہے مجھے۔ سو ٹیک آف سو فار جو ہے کافی اسموتھ تھا، کافی اچھا تھا، اور ایسے ایئرپورٹ سے بیسیکلی ٹیک آف جو ہے کافی ڈیفیکلٹ آپ کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے، بٹ دا پائلٹ ڈڈ اے گڈ جاب ہیئر۔ فلائٹ کو بیسکلی جو ہے ایئر سفاری بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ ڈفرینٹ ماؤنٹین رینجز سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو پائلٹ ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون، کیپٹن روم تاج شاہی فرام فلائٹ ڈیک آن بیہاف آف پی آئی اینڈ مائی اسٹاف آف ویلکم یو آن بورڈ پی آئی اے فلائٹ پی کے 606 فرام گلگت ٹو اسلام آباد۔ Our departure from Gilgit was delayed due to the arrival of aircraft. Presently we are climbing to our cruising altitude of 18,500. Our ground speed would be inshallah 500 kilometers per hour. We'll be flying a beam Nanga Parbat, a beam Chilas over at Babusattop, Naran, Kagan, Mansira, Aftabad, and landing at Islamabad inshallah. Weather and route is cloudy, and reported weather around Islamabad is also partly cloudy and hazy. I hope you enjoy your flight. Our staff must be taking care of the people. Thanks for your attention. سے ہی ہم گھنے بادلوں میں آ گئے، انہوں نے جو فلائٹ میں جو میل سروس ہے وہ اسٹارٹ کر دی اور اس سیٹ کا جو بیسکلی ٹرے ٹیبل ہوتا ہے وہ آپ کے رائٹ سائڈ سے نکلتا ہے اور کچھ اس طرح سے نکلتا ہے، یہ اوپن اٹ اپ اینڈ پل دا ٹرے ٹیبل اور اس طرح اوپن ہو جاتا ہے، کافی اچھا ٹیبل ملتا ہے۔ اور جو میل ہے وہ بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سینڈوچ ہوتا ہے اس میں اور ساتھ میں ایک کیک ہوتا ہے، اور دونوں چیزیں جو ہے مطلب جو اسکارپیو کی فلائٹ ہے سیم میل ملتا ہے، اور مجھے جو ہے یہ میل پسند نہیں آیا، بٹ ایٹ ان دس شارٹ فلائٹ جو کہ 18,500 فیٹ کی بلندی پہ اور کوئی 40 منٹس کی فلائٹ ہے تو میل کو آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں، یا پی آئی اے امپروو کر کے فروٹس ایڈ کر دے تو بیسٹ ہو جائے گا، صرف فروٹس دے دیں، کیونکہ کافی میرے پیسنجرز جو تھے انہوں نے یہ میل لیا بھی نہیں۔ اور اینی ویز ہم موو آن اور اب ہم آ گئے ہیں بابو سر ٹاپ کے پاس۔ Ladies and gentlemen, people sitting on left side can have a view of Babusattop. If you can see a winding road climbing up to a small town, that is Babusattop. اچھا جو مین جو بابوسر ٹاپ ہے وہ بیسکلی اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے تب آپ کو نظر آئے گا، ہم رائٹ سائڈ پہ ہیں اور یہاں کے نظارے بھی بہت خوبصورت ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں آسمان نظر آ رہا ہے، یو کین سی دا ماؤنٹینس وتھ سنو کیپ ماؤنٹینس، اور بہت خوبصورت ہے۔ اب چلتے ہیں باتھ روم ریویو کی طرف۔
ATR का जो बाथरूम है वो बेसिकली प्लेन की बैक साइड सबसे पीछे, एंट्री पॉइंट जो है काफी कंजेस्टेड है और बाथरूम भी आप देख सकते हैं काफी कंजेस्टेड है। इसको हम कर लेते हैं लॉक और अब आप देख सकते हैं ये शीशा लगा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे कोट हैंगर है, इसके अलावा टिश्यू रोल्स एंड स्टफ लाइक दैट, यू हैव द सिंक और ये सारी फैसिलिटी है और ये जो है टॉयलेट है। और यहाँ पे आके मैंने एक और चीज़ यूनिक एक्सपीरियंस की जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ और वो है यहाँ के टॉयलेट का फ्लश। नॉर्मली प्लेन्स में जो है वो सक्शन वाला टॉयलेट होता है पर इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का टॉयलेट कैसा है। ये आप बटन प्रेस करें और पानी, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था। और दैट्स इट फ्रॉम द बाथरूम रिव्यू, काफ़ी नीट एंड क्लीन बट छोटा सा वॉशरूम है। और देखते ही देखते जो है आप माउंटेन से होते हुए प्लेन लैंड्स में दाखिल हो जाते हैं और ये काफ़ी जल्दी होता है, अराउंड 40 मिनट्स की फ़्लाइट है। और जहाँ एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि जो एयर होस्टेस बैठती हैं वो बेसिकली कॉकपिट के दरवाजे के बिल्कुल सामने, सो शी इज़ ऑल्सो फेसिंग द क्राउड। और साथ ही साथ अब चलते हैं हम जो सेकंड मेन थिंग है लैंडिंग, देखते हैं। ये काफ़ी रूटीन फ्लाइट है, इट हैपन्स ऑन अ डेली बेसिस, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्मूथ लैंडिंग, सो लेट्स सी हाउ दिस लैंडिंग गोज। सो ये जो एरिया है ये बेसिकली इस्लामाबाद के बाहर है बट दिस इज़ द इस्लामाबाद एयरपोर्ट, सो वी आर क्लोजिंग इन ऑन द अप्रोच, लेट्स सी हाउ दिस गोज। प्लेन का शेडो नज़र आ रहा है, एंड वी हैव टच डाउन एंड दिस वॉज अ वेरी स्मूथ टच डाउन। और एक और चीज़ जो आप देखते हैं इस प्लेन के इंजन की तरफ, इसके फैंस की तरफ, तो आपके दिल में एक अजीब सा डर लगा रहता है, ऐसा लगता है ये रुक ही ना जाए, बट nonetheless this was a very good flight I would say, except for the meal। मैंने स्कर्दू की फ़्लाइट में भी बोला था, मैं इस फ्लाइट में बोलता हूँ कि जो मील है उसको आप इग्नोर ही कर दें। और उसके अलावा जो है कस्टमर सर्विस एंड प्लेन मेंटेनेंस, पायलट एंड एवरीथिंग, आई थिंक दैट ओवरऑल जो है ये फ़्लाइट मेरी नज़र में बहुत अच्छी रही। और आप लोग भी बताएं आप लोगों के एक्सपीरियंस, अगर आप इस फ्लाइट पे रहें या किसी और ATR पे आपने ट्रैवल किया है, डू लेट मी नो हाउ योर एक्सपीरियंस वॉज। एंड अब हम लैंड कर चुके हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इसके अलावा भी जो वीडियोस के रिलेटेड आपका फीडबैक है वो आप मुझे देते रहें कि हाउ आई कैन इम्प्रूव फिल्मिंग, व्हाट एल्स शुड आई शो, के जो आप देखना चाहते हैं रिगार्डिंग फ़्लाइट्स एंड एयरलाइंस, एयरलाइंस रिकमेंड करें कि किसका रिव्यू करना है। सो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उनमें से तो मेरे ख्याल से एक ही रह गया। सो और मकसद भी ये वीडियोस बनाने का सिंपली ये है कि एविएशन जो है पाकिस्तान में जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, एयरलाइंस ये वीडियोज़ देखें और फिर जो चीज़ें बेसिकली जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उन चीज़ों को इम्प्रूव करें और जो है अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं। और इससे जो है जो ट्रैवलर्स हैं, एयर ट्रैवलर्स जिनकी तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है, सो उनकी लाइफ ईजी बने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।